अगर आप किसी भी इंडिया के अच्छे स्कूल में जाओगे, चाहे वो सुपर 30 इन बिहार, चाहे वो कोटा के किसी टीचिंग इंस्टीट्यूट में जाओगे, या फिर किसी भी स्कूल में जाओगे, वहाँ पर 11th 12th में बच्चों को कहा जाता है कि यार बेटा अच्छे से पढ़ ले ताकि बाद में अपने ड्रीम कॉलेज में पढ़ पाओ और ड्रीम प्रोफेशन अचीव कर पाओ, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, डॉक्टर हो, टीचर हो, कुछ भी हो। पर अगर आप किसी पंजाब के स्कूल में जाओगे, वहाँ पे 11th 12th के स्टूडेंट्स को कहा जाता है कि बेटा 2 साल पढ़ ले और ताकि कनाडा या फिर बाहर के किसी अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल पाए। ऐसा क्यों है, ये कल्चर कैसे बना ऑफ पंजाबीज गोइंग अब्रॉड, जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं मिनी पंजाब्स अब्रॉड। आपने जरूर सुना होगा मिनी पंजाब ऑफ कनाडा, जो कि है ब्रैम्पटन में, एज वेल एज इन सरी ऑफ कनाडा, एंड मिनी पंजाब यूएसए, जो कि है न्यूयॉर्क में, जिसे कहा जाता है पंजाब एवेन्यू, एंड मिनी पंजाब ऑफ ऑस्ट्रेलिया, जिस सिटी का नाम है वुलगुगला। एंड ऐसा कैसे हुआ कि हम एक मेजॉरिटी बन पाए ऑफ स्टूडेंट्स एज वेल एज पीपल गोइंग अब्रॉड, क्योंकि अगर आप डेटा देखोगे पंजाब से मैक्सिमम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अब्रॉड जाते हैं ऑल ओवर इंडिया, एंड पंजाब इज द स्टेट विद सेकेंड नंबर ऑफ पीपल गोइंग अब्रॉड एज वेल आफ्टर केरला। पंजाब से मैक्सिमम लोग माइग्रेट हो रहे हैं, इसे डायस्पोरा भी कहा जाता है। डायस्पोरा का मतलब है कि जिस जगह से अपने कल्चर के लोग छोड़ के किसी और कंट्री में जा रहे हैं, सो पंजाबी डायस्पोरा इज वन ऑफ द हाईएस्ट ऑल ओवर इंडिया। ऐसा कैसे हुआ, सो स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री से। ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल इंडिया, उस दौरान ब्रिटिश आर्मी में 60% ऑफ द सोल्जर्स वर सिक्स एंड पंजाबीज, तो उस टाइम वर्ल्ड वॉर टू को फाइट करने के लिए काफ़ी सोल्जर्स को भेजा गया इन यूरोप, ताकि वो जर्मनी एज वेल एज इटली में लड़ पाएँ फॉर वर्ल्ड वॉर टू, एंड उस दौरान मैक्सिमम पंजाबीज माइग्रेटेड टू यूके, ताकि वो साउथ हॉल बना पाएं, जिसे हम मिनी पंजाब ऑफ यूके भी कहते हैं। एंड उस टाइम पर यूके को काफ़ी ज़रूरत थी लेबर की, तो इस कारण पंजाबीज ने काम करना स्टार्ट किया इन माइनिंग एज वेल एज स्टील फर्नेसेज में, एंड यहाँ से जाके शुरुआत हुई। एंड एट द टाइम पंजाबीज ने अपने पंजाब में काफ़ी पैसा भेजा आफ्टर अर्निंग इन यूके, वहाँ से स्टार्ट हुई कल्चर की, एंड वहाँ से ही पहला गुरुद्वारा भी बना साउथ हॉल में। एंड यहाँ से उन्होंने जब काम करना स्टार्ट किया, उन्होंने अपने पंजाब होम टाउन में कॉल किया और उन्हें बताया कि यहाँ पर सैलरीज काफ़ी अच्छी मिल रही हैं। तब ब्रिटिश पाउंड की वैल्यू होती थी 15 रुपीज़, एंड ब्लैक में कभी कभी 30 रुपीज़ में मिल जाते थे फॉर 1 ब्रिटिश पाउंड। एंड यहाँ से एक कल्चर बन गया टू गो टू यूके टू वर्क फॉर हायर सैलरी। एंड सेम इज द केस फॉर ऑस्ट्रेलिया। जब ब्रिटिश एम्पायर ने पंजाबीज को भेजा हांगकॉन्ग एंड सिंगापुर, वहाँ पे शिप से उन्हें दिखा ऑस्ट्रेलिया, कभी कभी वो डर के ऑस्ट्रेलिया नहीं जाते थे, पर अकॉर्डिंग टू बीबीसी न्यूज, ठाकुर सिंह का कहना है कि पहले वो हांगकॉन्ग से महासागर खुद अकेले जाने में डरते थे, पर एक दिन उन्होंने डर का सामना करके ऑस्ट्रेलिया वो पहुंच ही गए, एंड वहाँ पर रियलाइज किया कि वहाँ पर भी काफ़ी अपॉर्चुनिटी है। एंड ऐसे ही करते करते पंजाबीज को अवेयरनेस मिली कि ऑस्ट्रेलिया एक्चुअल में सेफ है, इस कारण 1965 तक वहाँ पे 1000 प्लस पंजाबीज आ गए, एंड उसी दौरान एक गुरुद्वारा भी बन गया इन ऑस्ट्रेलिया। नाउ टॉकिंग अबाउट कनाडा, 1897 में सबसे पहले पंजाबी वर्कर्स पहुंचे फॉर द गोल्डन जुबली ऑफ क्वीन विक्टोरिया। एंड इस दौरान रिसर्च का मानना है कि इस टाइम पर पंजाबी वर्कर्स को काफी रेसिज्म एंड स्ट्रगल का सामना करना पड़ा, जो हम पंजाबीज काफी लाइटली लेते हैं। एज अ मैटर फॉर रिसर्च का मानना है कि जब पंजाबी वर्कर्स इन वाइट कंट्रीज में स्नीज करते थे, तब वो लोग ऐसे रिएक्ट करते थे कि इन्होंने ही हमें कोल्ड फैला दिया। एंड इस स्ट्रगल का सामना करते करते पंजाबीज ने ना कि लेबरिंग जॉब से शिफ्ट किया इनटू बिजनेस, उन्होंने बिजनेस क्रिएट किए इन ऑल ऑफ दीज कंट्रीज, प्लस दे वर वन द फर्स्ट पीपल फ्रॉम एशिया ओरिजिन टू बिकम मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एज वेल, मतलब वो फर्स्ट पॉलिटिशियन बन गए उन कंट्रीज में। फॉर कनाडा द फर्स्ट पॉलिटिशियन, वन ऑफ द फर्स्ट पॉलिटिशियन वॉज उज्जल दोसांझ, एंड फॉर यूएसए इट वॉज दलीप सौंध इन कैलिफोर्निया, वन ऑफ द फर्स्ट वन इन यूनाइटेड स्टेट्स। एंड यहाँ से ट्रेंड शुरू हुआ, जब पंजाबीज को पता चला इन पंजाब कि अगर आप हार्डवर्क करते हो, आप जो डिजर्व करते हो आपको ज़्यादा ईजिली मिल जाता है इन अब्रॉड एज कम्पेयर टू इन पंजाब, तो यहाँ से उनकी मेंटेलिटी बन गई कि अगर मैं बाहर जाता हूँ, जितनी मैं मेहनत करूँगा मुझे उसका अवार्ड उतना या फिर उससे ज़्यादा मिलेगा बाहर की कंट्रीज में एज कम्पेयर टू पंजाब। तो वहाँ से एक मेंटेलिटी का शिफ्ट आ गया, जिस कारण एक कल्चर सा बन गया कि यार मैं बाहर जाऊंगा मैं पैसे ज़्यादा कमा पाऊंगा, मुझे अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिलेंगी, और चाहे पंजाब में अपॉर्चुनिटीज़ कम या ज़्यादा हो, जिसके बारे में अभी थोड़ी देर में बात करेंगे, पर एक होता है ना कि बायस, वो खुद ब खुद बन गया कि यार मुझे बाहर ही जाना चाहिए। एंड अगर ये स्कूल की तरफ देखोगे, ये है इन करतारपुर नियर जलंधर पंजाब। इनके बच्चों का मानना है कि पंजाब में बिल्कुल भी अपॉर्चुनिटीज नहीं है और सैलरी बहुत कम है। व्हाई आर यू गिविंग दिस एग्जाम? बिकॉज आई वांट टू परस्यू माय हायर स्टडी इन अब्रॉड, एंड देयर आर
a lot of best opportunities over there as compared to my country. What is causing you to move from Punjab? Because there are not more best opportunities. क्या वाकई में पंजाब में opportunities कम हैं? To answer that, आप यकीन नहीं करोगे, पंजाब में majority of people from बिहार उत्तर प्रदेश आते हैं ताकि वो लेबर वाली jobs कर पाएं। अगर बिहार या फिर उत्तर प्रदेश में एक दिन लेबर का उन्हें 500 रुपये मिलता है तो on an average पंजाब में उन्हें 600 से 700 रुपये मिलता है। अगर वो महीने के बिहार या उत्तर प्रदेश में 15,000 रुपये कमाते हैं तो पंजाब में वो कमाते हैं क्लोज टू 20,000 रुपीज़। तो क्या रीज़न है कि पंजाबी सोचते हैं कि पंजाब में अपॉर्चुनिटीज़ कम है? तो इसके लिए मैं डिवाइड करना चाहता हूँ कि पंजाबीज की सोच इन अर्बन सेक्टर एज वेल एज रूरल सेक्टर, दोनों की सोच काफ़ी डिफरेंट है। तो सबसे पहले बात करते हैं रूरल सेक्टर ऑफ पंजाब। यहाँ पे अगर आप देखोगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल एग्रीकल्चर फार्मिंग में पंजाब में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, पर दे हैव डिक्लाइंड। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कई फार्म्स पर सेम तरह की क्रॉप्स उगाई गई, जैसे राइस, वीट, कॉटन। जब आप एक ही लैंड पे सेम तरह की क्रॉप्स उगाते हो तो वो फर्टिलिटी कम हो जाती है, एक वन ऑफ द रीज़न ही है। पर अगर आप अभी मैं आपको जो बताने वाला हूँ आप यकीन नहीं करोगे, कुछ रूरल एरियाज़ में बच्चों का मानना है कि अगर पंजाब में अपॉर्चुनिटी ज़्यादा भी हो जाएं, और ज़्यादा जब थी भी तब भी किसी का मन नहीं करता था वो अपॉर्चुनिटीज़ लेकर लेबर में घुसने का। उनका मानना है कि वो हमेशा से, अगर किसी के पापा के पास कोई लैंड है 10 एकड़ की, वो हमेशा हायर करते थे फ्रॉम यूके एंड बिहार। एंड किसी भी फार्म ओनर के बच्चे का मन नहीं करता था कि अपने फार्म में काम करे, एंड नो वन वॉन्टेड टू गेट इन टू फार्मिंग। तो अपॉर्चुनिटीज़ थी, एंड अगर अभी और भी क्रिएट हो जाए इन टू फार्मिंग एंड एग्रीकल्चर, किसी का मन नहीं करता to get into it. That's one of the biggest reason. एक researcher हैं अश्विनी कुमार नंदा, ये गए 133 villages of Punjab. इन्होंने हर village में जाना कि हर village में हर एक बंदे का एक ना एक relative है abroad या फिर Canada में, सिवाय एक village को छोड़ के जो कि था मालवा का village. तो हर village में कहीं ना कहीं connection ज़रूर है. And ये भी एक reason बन जाता है rural sector के लिए कि उनके पास awareness आ जाती है कि अगर opportunities कई हैं पंजाब से ज़्यादा तो वो बाहर कैनेडा, यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया में है, वो पंजाब के अलावा कहीं और सोच ही नहीं पाते। अगर आप ये इंटरव्यू देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पंजाब सिंह फ्रॉम रूरल पार्ट ऑफ पंजाब का मानना है कि मैं ड्रग्स से काफ़ी बार एक्सपोज हो चुका हूँ और आई वॉज एन एडिक्ट एज वेल एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। एक बार किया था, आई टुक ड्रग्स फॉर फन वंस एंड देन इट बिकेम अ हैबिट, लेटर आई इवन स्टार्टेड सेलिंग। I stopped that, but kept using. पंजाब में वाकई ड्रग्स की काफी बड़ी प्रॉब्लम है, स्पेशली नियर द बॉर्डर एंड रूरल पार्ट्स ऑफ पंजाब। आपको यकीन नहीं होगा 20% प्लस ऑफ पंजाब, स्पेशली इन रूरल डिस्ट्रिक्ट, हैज बीन एक्सपोज्ड टू ड्रग्स, स्पेशली हीरोइन या फिर ओपियम, एटलीस्ट वन टाइम उन्होंने ड्रग्स देखे हैं या फिर कभी कंज्यूम भी किए हैं। अगर आप वीडियोस देखेंगे ड्रग एडिक्शन इन पंजाब, आपको कई वीडियोस दिख जाएंगी कि कई लेडीज एज वेल एज मेल्स इन फार्मिंग आर आल्सो एक्सपोज्ड टू इट। इवन दो पंजाब डायरेक्टली हीरोइन या फिर ओपियम मैन्युफैक्चर नहीं करता है, पर एक्सपोर्ट या फिर स्मगल होते हैं फ्रॉम अफगानिस्तान थ्रू पाकिस्तान। इसके कारण पूरा पंजाब काफ़ी एक्सपोज्ड है। हर रूरल डिस्ट्रिक्ट में आपको एक ना एक बंदा मिल जाएगा जिन्होंने या फिर ड्रग्स देखे हैं या फिर कभी ना कभी कंज्यूम किए। एंड कुछ पेरेंट्स भी रूरल पंजाब से चाहते हैं कि उनके बच्चे एक्सपोज ना हो ड्रग्स में या फिर और ज़्यादा एडिक्टेड ना हो, इस कारण वो बाहर भेजना चाहते हैं, चाहे कितनी भी लैंड्स बेचनी पड़े, कितना भी बड़ा लोन लेना पड़े। जब रूरल पंजाब से स्टूडेंट्स लोन लेकर एजेंट्स के थ्रू बाहर जाते हैं, जैसे आपने मेरी डोंकी प्रोसेस वाली वीडियो देखी होगी कि एजेंट्स ट्रांसपेरेंसी से प्रोसेस पूरा बताते ही नहीं है, उन्हें बताते हैं कि डोंकी प्रोसेस बहुत सेफ है, या फिर अगर वो कनाडा में चले जाएंगे वो 40-50 घंटे स्टूडेंट की तरह काम कर पाएंगे, उन्हें मिस इन्फॉर्मेशन देते हैं। एक्चुअल में आप 20 आवर्स से ज़्यादा काम नहीं कर सकते कैनेडा, यूएस, कहीं पर भी। तो आप कई वीडियोज़ देख पाओगे कि कई बार कैनेडा में पंजाबी स्टूडेंट्स को डिपोर्ट किया गया है, ऑलमोस्ट डिपोर्ट किया गया है या फिर एक्चुअल में डिपोर्ट किया गया है। उसके कारण काफ़ी स्टूडेंट्स ने सुसाइड कमिट की है जब उनके ऊपर प्रेशर पड़ता था घर से कि अगर वो लोन पे ना कर पाए तो उनका घर, जो उन्होंने घर गिरवी देकर लोन लिया टू गो टू कैनेडा, वो पूरा नहीं हो पाएगा, वो उनका कैनेडा ड्रीम अचीव नहीं हो पाएगा। एंड दैट्स द हार्श रियलिटी ऑफ एजेंट्स या फिर ट्रैवल एजेंट्स इन पंजाब, जो मिस इन्फॉर्मेशन एंड मिस गाइड करते हैं इन बच्चों को। अब बात करते हैं अर्बन पंजाब के बारे में, वो क्यों अब्रॉड जाना चाहते हैं। पहला रीज़न, स्कूल इन्फ्लुएंस। जब मैं अपने स्कूल में था, आपको यकीन नहीं होगा, हमारे स्कूल में, DAV पब्लिक स्कूल में, किसी भी टॉप पंजाब के स्कूल को देख लो, वहाँ पे कैनेडा से यूनिवर्सिटीज़ आती हैं प्रमोशन करने के लिए।
मैं हैरान हो गया था कि कनाडा का डायरेक्ट प्रमोशन क्यों हो रहा है, जब मैं 11th 12th में था आती थी, एंड तब पेरेंट्स बच्चों को डायरेक्टली बताते थे यार कि अच्छे से पढ़ ले, आयल्स में अच्छे नंबर आएंगे। कुछ केसेस में हमारे इंग्लिश के टीचर्स हमें कहते थे कि ये आयल्स में आने वाला है, अच्छे से पढ़ लो। चाहे ये सरकास्टिकली कहते थे, पर इनडायरेक्टली या डायरेक्टली हमारे लिए अब्रॉड जाने का ड्रीम ओपन हो जाता था। दूसरा रीजन है शो ऑफ कल्चर इन पंजाब, जो कि शुरू हुआ फ्रॉम पंजाबी सॉन्ग्स, पंजाबी मूवीज। हर पंजाबी मूवी, हर पंजाबी सॉन्ग्स में एक्सपेंसिव कार्स शो ऑफ की जाती है, आईफोन, एक्सपेंसिव फोन्स, ये सारी चीजें शो ऑफ की जाती हैं, स्पेशली इन कैनेडा एंड अब्रॉड कंट्रीज। उसके कारण कहीं ना कहीं हमारे मन में भी एक ड्रीम बन जाता है कि आपा भी बाहर जाके यार आईफोन लगाएंगे। और घर में भी अगर कोई पेरेंट्स भी अपने बच्चों को बाहर भेजता है तो यही कहता है कि यार इफ़ यू आर एबल टू बिकम सक्सेसफुल एब्रॉड हमारे लिए आईफोन जरूर लाना। तो ये एक तरह से कल्चर सा बन गया है, जिसके कारण स्टूडेंट्स के ऊपर प्रेशर भी बहुत पड़ता है व्हेन दे गो टू अब्रॉड। आपको यकीन नहीं होगा, एक पंजाबी स्टूडेंट ज़्यादा खुश तब है अगर वो 3-4 जॉब्स कर रहा है कैनेडा में, एज कम्पेयर टू अगर वो अपने पापा की ही लैंड में फार्मिंग कर रहा है। ऊपर से कितने पैसे आ जाते सके? ऊपर की वधिया सही चेक बनता, मेरे को अपनी गड्डी हैगी है, मैं पर मैं हूँ रेंट पर देती है, पर उन्हें घंटे बहुत ज़्यादा लाने पैदे आवर लाइक तो ऊपर मतलब तुम कई ज्यादा घंटे लगा के सेव करने पाए पैसे फिर जाके खरीद पाए, राइट? हाँ जी, हाँ जी। सो दैट्स द हार्श रियलिटी कि जो हमारे माइंड में जो सक्सेस की डेफिनेशन है वो उससे पता चलती है जितना हम बाहर कमाते हैं एज कम्पेयर टू हम पंजाब में कमाते हैं। अब बात करते हैं क्या पंजाब में वाकई ही अपॉर्चुनिटीज की कमी है। उसके लिए हमें समझना पड़ेगा व्हाट इज एन अपॉर्चुनिटी। एक पंजाब का यूथ या फिर इंडिया की यूथ अपॉर्चुनिटी को समझता क्या है? मेरे ख्याल से एक अपॉर्चुनिटी की डेफिनेशन ये है कि अगर आप फील्ड में अलग अलग चीज़ें ट्राई करना चाहते हो, आप कुकिंग ट्राई करना चाहते हो, आप शेफ बनना चाहते हो, आप टीचर बनना चाहते हो, आप इंजीनियर बनना चाहते हो, आर्किटेक्ट बनना चाहते हो, ये सारे मेजर्स का एक्सपोजर क्या पंजाब में है? डायरेक्ट आंसर इज नो। अगर आप सर्च करो टॉप इंग्लिश डिग्री कॉलेजेस ऑफ इंडिया, आपको टॉप 10 में पंजाब का कोई भी स्कूल नहीं देगा। अगर आप सर्च करो टॉप कल्नरी स्कूल जहाँ पे कुकिंग सीख सकते हो अगर आपको शेफ बनना है, वो कॉलेज ऑफ इंडिया, वहाँ पे पंजाब का टॉप 10 में तो क्या टॉप 20 में भी कहीं पे नाम नहीं है। अगर आप सर्च करो टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ इंडिया तो पंजाब में आपको सिर्फ एक ही कॉलेज देखेगा, दैट इज़ IIT रोपर, और पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज जो चंडीगढ़ में है उसका भी टॉप 30 में मुश्किल से नाम आता है। तो कॉलेजेस तो चलो ठीक है, अगर आप मान भी लेते हो कि ये दो कॉलेजेस सीट्स ज़्यादा ओपन कर देते हैं पंजाब के लिए, तो भी IT इंडस्ट्री का ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है। अगर आप सर्च करो सॉफ्टवेयर इंजीनियर या फिर एक इंजीनियर की सैलरी इन पंजाब, आपको आंसर मिलेगा 20-30,000 रुपीज़। बल्कि अगर आप बैंगलोर और हैदराबाद में सर्च करोगे वहाँ पे अराउंड 50,000-1,00,000 के आसपास एवरेज होती है। तो ये रियलिटी है कि अपॉर्चुनिटीज़ अगर आप पैसों में गिनना शुरू कर दो फॉर अर्बन सेक्टर, फॉर वाइट कॉलर जॉब्स, वो वाकई में पंजाब में उनकी सैलरीज कम है। पर अगर आप रूरल सेक्टर की बात करो वहाँ पे पंजाबी अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रांटेड लेते हैं। बिहार और UP से लोगों को बुलाया जाता है ताकि वो लेबर की जॉब्स लें, एंड पंजाबीज आर नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड। वो चाहते हैं कि पैसा इकट्ठा करें जल्दी से जल्दी, एंड वो ड्रग्स से निकलें एंड गो अब्रॉड। चाहे कितना भी बड़ा लोन लेना पड़े, चाहे जो भी करना हो, चाहे डोंकी प्रोसेस करके उन्हें US मेक्सिको का बॉर्डर, जो कि वर्ल्ड्स डेंजरस बॉर्डर है या डेडलीस्ट बॉर्डर है, वो क्रॉस करना पड़े, चाहे वो कितना भी बड़ा लोन लेना पड़े, वो लेने के लिए तैयार है। दैट्स द रियलिटी। एंड मेरे ख्याल से अगर अर्बन सेक्टर को एटलीस्ट अगर आप पंजाब में रोकना चाहते हो, उसके लिए इंडस्ट्रीज एंड एक्सपोजर टू डिफरेंट इंडस्ट्रीज बढ़ाना पड़ेगा, चाहे वो कुकिंग का हो, चाहे वो इंग्लिश लिटरेचर हो। उसके लिए अगर पहले कॉलेजेस और बढ़ जाएं तो इंडस्ट्रीज खुद ब खुद वहाँ पे आने लग जाएंगी। जहाँ पे ज़्यादा कॉलेजेस होते हैं वहाँ पे इंडस्ट्रीज खुद आती है हायर करने के लिए, रिक्रूट करने के लिए, एंड उनमें से कुछ स्टूडेंट्स अगर वहाँ स्टार्टअप्स कर लेते हैं तो और इंडस्ट्रीज बढ़ जाती हैं। सो बेसिकली अगर और कॉलेजेस खुल जाते हैं पंजाब में और एक्सपोजर लोगों को मिल जाता है इन डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स, तो वो खुद ब खुद पंजाब में ही ट्राई करना चाहेंगे, एंड दे विल ट्राई टू स्टे इन इंडिया इटसेल्फ। सो दैट विल बी माय पर्सनल ओपिनियन। आप क्या सोचते हैं? लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।